क्या सोच रही हैं? बहुत जुल्म हुआ है सिकंदर के साथ, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। अपने बारे में क्यों कह रही हैं? ऐसा कहिए ना कि मुझे माफ नहीं कर पाएंगे। शायद सारी गलती मेरी थी। इज्जत का मामला था, मैं मजबूर था, कोई और रास्ता नहीं था। और इस चक्कर में आपने मेरे बेटे की जिंदगी दांव पर लगा दी। ये भी नहीं सोचा कि वो किस तरह घुट घुट कर अजियत में जिंदगी गुजार रहा है। उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, किसको परवाह? क्यों नहीं है? मुझे है परवाह। नहीं है परवाह, तभी तो आपने बंदूक की नोक पर उसका निकाह करवाया। उसकी रजामंदी थी, इसलिए निकाह हुआ था। आपके डर से, सिर्फ आपकी इज्जत की वजह से। वरना अगर उसके बस में होता तो वो उसी वक्त वहां से कहीं चला जाता। जानती हूं मेरी बात आपको बहुत बुरी लगेगी, मगर सच तो यह है कि इस तरह के जबरी निकाह की कोई हैसियत नहीं होती। अभी वो सिकंदर, क्या दिलावेज वाकई बदल गई है? तुम्हें भी ऐसा लगता है या सिर्फ तुम्हारी मां को? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। बस शहाब अंकल की तबीयत की वजह से थोड़ी फिक्रमंद रहती है। वैसे भी हालात और वाकयात के साथ लोग बदल जाते हैं। वही कहा था ना आपने, ये तो अच्छी बात है। पता नहीं क्या फारिया की वजह से। अभी मेरा और फारिया का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात आप जानते हैं, इसलिए उसका जिक्र मेरे सामने मत किया करें। बहरहाल मैं आपको बताने आया था कि मैं और दिलावेज शहाब अंकल की खैरियत मालूम करने चला। अच्छी बात है। सिकंदर जी, बेटा तुम खुश तो हो ना? आप खुश हैं ना, यही काफी है।